हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर हम चलते हैं आगे डिस्कशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उसमें आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसी के साथ ही आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं डिफरेंस को लेकर। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यूएन के जो भी मेंबर होता है ना, कि ऑल द मेंबर ऑफ यूएन, वो ऑटोमेटिकली आईसीसी के मेंबर बन जाते हैं। इसी के साथ ये दिया गया है कि जिनको आईसीजे का मेंबर बनना होता है उनको रोम स्टैट्यूट का साइन है वो करना होता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि आईसीसी है वो एक क्रिमिनल कोर्ट है, जबकि आईसीजे है वो एक क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। अब हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आईसीसी और आईसीजे के बारे में। पहले हम देखते हैं आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। देखो यह यूएन का एक ऑर्गन है, ये यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है और इसके जो भी मेंबर होते हैं ना, वो यूएन के जितने भी मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली आईसीजे के मेंबर बन जाते हैं। मतलब जो जो कंट्री यूएन की मेंबर है ना, वो ऑटोमेटिकली आईसीजे या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की मेंबर बन जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें जो क्रिमिनल कोर्ट है वो नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आईसीजे है वो एक क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। अब हम देखते हैं आईसीसी। आईसीसी है देखो, उसको रोम स्टैट्यू के तहत 2002 में बनाया गया था और यह यूएन के द्वारा गवर्न नहीं की जाती है। यूएन के साथ थोड़ा बहुत काम करती है बट यूएन के मतलब यूएन के द्वारा गवर्न इसको नहीं किया जाता। इसी के साथ ही इसके जो मेंबर बनने होते हैं वो इंडिविजुअली रोम स्टैट्यू के तहत ट्रीटी साइन करनी होती है या मेंबर बनना होता है, इसके बाद ही वो इसके मेंबर बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये नाम से ही पता चल रहा है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि यह क्रिमिनल कोर्ट है। इसमें मेनली जो जीनोसाइड के केस होते हैं या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो भी मतलब कोई क्राइम किया गया हो या फिर कोई भी वॉर वगैरह चल रहा हो या फिर किसी भी और भी तरीके से कुछ मतलब खतरनाक सीरियस क्राइम किया गया हो, उनके केस इसमें सॉल्व हैं वो किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉरी इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA को लेके। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह जो रैंकिंग है ना, वो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, इसके साथ ही रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज और इसके साथ ही ग्रेजुएशन का आउटकम कैसा है और वहाँ पे आउटरीच कैसी है, इंक्लूसिविटी कैसी है, इन सब प्रैक्टिस के आधार पे यह इंडेक्स है या यह जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि है जो रैंकिंग है, जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इनिशिएटिव है। हमें पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है ना, यह कोई भी हायर एजुकेशन है उसमें इनोवेशन कैसा है, वहाँ पे एम्पावरमेंट किस तरीके का चल रहा है, इन सब पैरामीटर्स के आधार पे यह जारी किया जाता है, ना कि लर्निंग टीचिंग आउटकम के बेसिस पे। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। अभी यह न्यूज़ में इसलिए ताकि देखो अभी रैंकिंग है वो जारी की गई है तो उसी को लेकर न्यूज़ है वो आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है डोमखेर रॉक आर्ट सेंचुरी को लेके। डोमखेम रॉक आर्ट सेंचुरी है वो कहाँ पे है? देखो जो डोमखेम रॉक आर्ट सेंचुरी है ना, ये एक्चुअली इंडस जो रिवर है इसके किनारे पे है, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा ए, जम्मू एंड कश्मीर में जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, इंडस रिवर के किनारे। तो UPSC इसमें ये भी पूछ सकती है कि डोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी है वो कौन सी नदी के किनारे है, कहाँ पे है, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इंडस नदी है, सिंधु नदी है, उसके किनारे पे बना हुआ है, लेह डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए और हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि तालचर सिटी है वो इंडिया की लार्जेस्ट कोयल फील्ड है यानी कि कोयले का क्षेत्र है जो कि झारखंड में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ब्राह्मणी रिवर है वो उड़ीसा की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो तालचर सिटी है ना, ये एक्चुअली एक लार्जेस्ट कोयल फील्ड तो है बट ये झारखंड में नहीं है, ये उड़ीसा में है। और इसी के साथ जो ब्राह्मणी रिवर है वो उड़ीसा की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में पेयरिंग दिए गए हैं और हमें करेक्टली मैच को बताना है। यहाँ पे दिया गया है कोमडो आइलैंड, दूसरा दिया गया है नील आइलैंड, तीसरा दिया गया है यहाँ पे रोड्रिग्यूस आइलैंड। तो ये आपके सामने दिया गया है कि जो पहला आइलैंड है वो इंडोनेशिया में है, दूसरा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिया गया है मॉरिशस। अब एक बार आप देखिए इनको ढंग से। देखो जो यहाँ पे कोमोडो आइलैंड है ना, ये इंडोनेशिया में बिल्कुल सही है। अभी ज्वालामुखी को लेके भी है न्यूज़ में आया था, तो पहला अभी बिल्कुल सही है।
सेकंड हम यहाँ पे बात करें नील आइलैंड है, वो आपको बताया कि नील आइलैंड का नाम अभी चेंज किया गया था। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि नील आइलैंड का नया नाम है वो क्या रखा गया है। ये इंडिया में अंडमान निकोबार वाले एरिया में है और ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं इंडिया में है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है। तो सेकंड के आधार पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी कि फर्स्ट और थर्ड है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल है वो है एन आई आर एफ रैंकिंग 2019 को लेके। देखो NIRF रैंकिंग और जो अटल रैंकिंग है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। अटल रैंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है। यह जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, इसमें इनोवेशन के आधार पर जारी की जाती है कि भाई हायर एजुकेशन है उनमें इनोवेशन किस तरीके का है, इसके साथ ही वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है वो कैसी है, इन पैरामीटर के आधार पर अटल रैंकिंग जारी की जाती है। ये भी जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। अब हम बात करें NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। कंटेक्स्ट यह था कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसकी भी नई रैंकिंग जारी की गई है। तो देखो इसमें 2015 में बेसिकली रैंकिंग है वो स्टार्ट की गई थी, ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। और जो NIRF रैंकिंग है ना, ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यह जारी की जाती है टीचिंग आउटकम कैसा है, लर्निंग सोर्सेज कैसे हैं वहाँ पे, इसके साथ ही वहाँ पे प्रोफेशनल की प्रैक्टिसेज कहती हैं, ग्रेजुएशन का आउटकम कैसा है, प्लेसमेंट वगैरह कैसा हो रहा है, इसके साथ ही इंक्लूसिविटी और जो यहाँ पे हम बात करें परसेप्शन है वो कैसा है, लोगों की राय कैसी है उसके बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में किस तरह इसके रिव्यू वगैरह हैं, इन पैरामीटर के आधार पे NIRF रैंकिंग जारी की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो NIRF रैंकिंग है वो जारी की जाती है कि लर्निंग आउटकम या वहाँ पे कैसे किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है इसके आधार पर, जबकि अटल रैंकिंग जारी की जाती है इनोवेशन के आधार पर। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर अटल रैंकिंग को भी इंक्लूड किया ताकि अच्छे से डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब देखो जो NIRF रैंकिंग में कौन सी इंस्टीट्यूट को कौन सी रैंक मिली है ये तो हमारे लिए रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें मेरे लिए 9 कैटेगरी हैं, इनके आधार पे जो हमारे देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना इनको मतलब रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे एक तो ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है, फिर एक यूनिवर्सिटी में कौन सी टॉप रही है, फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कौन टॉप रहा है, इसके साथ ही कॉलेजों में कौन रहा है, मैनेजमेंट में कौन टॉप रहा है, फार्मेसी मेडिकल और आर्किटेक्चर और लॉ है इनमें कौन टॉप रहा है, इन पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। अगला हम फैक्ट यहाँ पे देखें कि जो ये रैंकिंग है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। हमने देखो एक आर्टिकल पहले डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस एक स्कीम जारी की गई थी। ये स्कीम क्या थी एक बार पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम में ये प्रावधान किया गया था कि भाई हमारे देश के जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है ना इनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाएगी कि अपना सिलेबस खुद डिसाइड कर सकें, थोड़ी इनके जो फॉरेन के स्टूडेंट वगैरह हैं स्टाफ वगैरह हैं ये खुद उनको मतलब एक तरीके से हायर कर सकते हैं ताकि एजुकेशन की क्वालिटी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का ऐसे टैग है वो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। इसमें ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन की बात की जाती है कि भाई इंडिया के इंस्टीट्यूट उनको टॉप 100 में या टॉप 500 में लेके आ जा सके जल्दी ही। और इसमें होता क्या है, जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो टैग या दर्जा दिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट को, ये बेसिकली उन्हीं को दिया जाता है जिन इंस्टीट्यूट की नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगभग हम बात करें 50 तक रैंक हो इंडिया में, अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो 500वीं रैंक तक होने चाहिए। मतलब कि वो इंस्टीट्यूट इंडिया का जिसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर 500वीं के अंदर अंदर रैंक है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा पा सकता है, या फिर वो इंस्टीट्यूट जिसकी इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में 50 तक की रैंक आई हो यानी टॉप 50 इंस्टीट्यूट हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायदा क्या होता है, इनको गवर्नमेंट के द्वारा ऐड है ग्रांट है वो प्रोवाइड कराई जाती है, ऑटोनॉमी दी जाती है, सिलेबस वगैरह खुद डिफाइन कर सकते हैं, फॉरेन के जो टीचर वगैरह हैं स्टूडेंट हैं उनको हायर कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं। तो इसलिए जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग अभी जारी की गई है इसके आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है वो इंप्लीमेंट की जाती है। तो हमें इनको जो फैक्ट है वो हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का मोटो ये था कि हमारे देश के अंदर हाई एजुकेशन की क्वालिटी है वो बढ़ानी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं वो टॉप 10 में या टॉप 100 में नहीं आ रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट है वो किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को लेके। तो देखो उसमें दो चार छोटे छोटे फैक्ट हैं, थोड़ा UPSC में भी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकती है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो उसमें क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल बैंक में। पहला तो ये ध्यान रखना है कि क्या क्या ये कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, थोड़ा नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये छोटी छोटी सेविंग है वो डिपॉजिट कर सकती हैं, बड़े लोन वगैरह ये नहीं प्रोवाइड करवा सकती। तो देख लेते हैं, एक तो छोटे छोटे डिपॉजिट हैं लोन वगैरह हैं वो ले सकती हैं और लोन वगैरह दे सकती हैं। इसके साथ ही ये म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो भी सेल वगैरह कर सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, इनको जो 75% जो लोन होता है ना, वो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर को लोन है वो देना होता है। प्रायोरिटी सेक्टर हमने इकोनॉमी में डिस्कस भी किया था कि वो सेक्टर जो कि ज़रूरतमंद होता है हमारे देश के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फिर रूरल एरिया में डिस्टेंस वगैरह को कवर करने के लिए। ये आपको फिर ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही इसमें प्रावधान किया गया है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए कि भाई वो उनके पास जितना भी लोन की अमाउंट होती है ना, इसका केवल 50% तक वो लोन दे सकते हैं, और वो अप टू 25 लाख तक का, मतलब 25 लाख तक के लोन बेसिकली इनके द्वारा प्रोवाइड करवा जाते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं। अब इनके पास क्या क्या लिमिट, मतलब रिस्ट्रिक्शन होती हैं, लिमिटेशन क्या है इंडियन की स्मॉल फाइनेंस बैंक की? देखो, सबसे बड़ी लिमिट तो इनकी ये होती है कि ये बड़े जो कॉरपोरेट ग्रुप होते हैं, मतलब जैसे किसी को 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, सॉरी 100 करोड़, 200 करोड़ किसी के, वो लोन नहीं दे सकते। केवल छोटे फर्म वगैरह को लोन देने का काम इनका होता है। इसके साथ ही अपनी ब्रांच से वो एक्सपेंड नहीं कर सकते विदाउट RBI परमिशन। मतलब इनको अपनी ब्रांच को फैलाना है, अपनी नई ब्रांच खोलनी है कहीं भी, तो इसके लिए पहले इनको RBI से अप्रूवल लेना होता है, इसके बाद ये नए स्टेप उठा सकती हैं। इसके साथ ही कोई भी और फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, कोई भी प्रमोटर हो, तो बेसिकली RBI की गाइडलाइन या RBI से परमिशन लेने के बाद ये नए स्टेप हैं वो उठा सकते हैं। तो इस तरीके कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड कराई गई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो किसी बैंक के साथ ही साइन नहीं कर सकते, या डील है वो नहीं कर सकते जब तक RBI की इनको परमिशन नहीं मिले। तो UPSC बेसिकली ये ऐसे स्टेटमेंट दे सकती है सिंपल टाइप के कि भाई ये जैसे कि 100 करोड़ तक के लोन दे सकते हैं, या फिर केवल स्मॉल फार्मर को लोन देंगे। तो केवल स्मॉल फार्मर को ही नहीं, स्मॉल एरिया वाले और भी जो लोग होते हैं, चाहे बिजनेस वाले भी हों, उन सबको भी लोन के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रोलेट एक्ट को लेके। तो क्या है रोलेट एक्ट, इसके बारे में हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अभी न्यूज़ में क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, कंटेक्स्ट तो बेसिकली ये था कि रोलेट एक्ट आपको बताएं 1919 में अप्रैल में हुआ था, और अभी उसकी 100वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में रोलेट एक्ट को लेके भी न्यूज़ में यह आया है। रोलेट एक्ट आया क्यों था, थोड़ा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। देखो, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले क्या कहा, अंग्रेज़ों ने इंडिया को ये कहा था, मतलब भारतीयों को ये बोला था कि भाई हम आपको आज़ादी वगैरह देंगे वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी बातें की थी। और हुआ क्या था, जो ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो उन्होंने कोई भी बात मानने से मना कर दिया और अपनी मनमर्जी करने लग गए। तो उसी के उपलक्ष्य में इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट है वो लेके आए थे, जिसे मैनली रोलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर ब्लैक कानून एक्ट, या फिर काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है, अंधा कानून भी इसको कहा गया है। अब देखो, बात ऐसी है कि इस दौरान एक रोलेट कमेटी बनाई गई थी। उस टाइम पर क्या था, एक ब्रिटिश जज थे सिडनी रोलेट, इनके प्रतिनिधि में कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने ये उस टाइम पे डिसीजन लिया कि भाई किसी को भी संदिग्धता के आधार पे अरेस्ट किया जा सकता है और कितने भी लंबे टाइम तक जेल में डाला जा सकता है। मतलब इंडिया के लोगों को दबाने के लिए बेसिकली स्टेप उठाया गया था, ताकि वो आज़ादी की मांग वगैरह ना करें। ये तो था रोलेट एक्ट के बारे में। अब हुआ क्या, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो इसी के बाद में फलस्वरूप हुआ क्या, 6 अप्रैल 1919 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसके बाद में 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, केस और ट्रेजडी है वो हुई थी। जलियांवाला बाग ट्रेजडी हुई बेसिकली इसलिए थी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, तो इस दौरान क्या हुआ, दो नेता थे देश के, दो लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, एक का नाम था सैफुद्दीन चिकलू और एक था डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था बिना किसी मतलब रीजन के, क्योंकि ब्लैक कानून के तहत, या हम बोले काला कानून के तहत इनको अरेस्ट कर लिया था। तो लोगों ने एक प्रोटेस्ट के चक्कर में जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग, या मतलब एक मीटिंग टाइप की सेमिनार वो आयोजित की थी, और उसी उपलक्ष्य में फिर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग केस है वो सामने मिला। इसके बाद में आया था हंटर कमीशन। तो देखो, यहाँ पे मेरा बताने का मोटो ये है कि UPSC की बार सीक्वेंस पूछ लेती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग और इसके बाद में हंटर कमीशन, तो थोड़ा हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी कंडीशन है वो कब कब हुई थी, और ये तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए डेट भी याद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हंटर कमीशन इसलिए बनाया गया था कि भाई जलियांवाला केस में जो जनरल डायर थे उनकी कितनी गलती वगैरह क्या है, इसको लेकर कमेटी बनाई गई थी और कमीशन है वो स्थापित किया गया था। तो उस दौरान जो लॉर्ड विलियम हंटर थे उनके प्रतिनिधि में कमीशन बनाया गया था, और इसमें भारतीय भी सदस्य थे। तो UPSC ऐसा पूछ सकती है कि हंटर कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हंटर कमीशन में भारतीय मेंबर भी थे, वो अलग बात है कि उनकी चली नहीं थी, बट मेंबर भी भारतीय इसमें इंक्लूड थे। तो UPSC ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेती है।
नेक्स्ट देखो रोलेट एक्ट को लेकर फिर आगे है कि भाई इसके रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या था। तो इसका आउटकम ये निकला था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है वो त्याग दी थी। अब देखो यूपीएससी की बात क्या पूछती है कि जो सेकेंड जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ या फिर कोई और स्टेटमेंट दे देगी कि जो 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ या सिविलियन डिसोबिडिएंस मूवमेंट हुआ था तो उस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी। नहीं भाई, रोलेट एक्ट के विरोध में या रोलेट एक्ट के चक्कर में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकते, तो हमें पता होना चाहिए कि रोलेट एक्ट से दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बेसिकली मैपिंग से रिलेटेड है, यह है मालदीप को लेकर। देखो कंटेक्स्ट बेसिकली यह था कि मालदीप में जो अभी मोहम्मद नसीर थे इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत है वो हो गई है, जो कि मालदीप में डेमोक्रेटिक पार्टी है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि जो मोहम्मद नसीर है ना ये इंडिया के फेवर में है, मतलब ये इंडिया के पाले में एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। मालदीप की लोकेशन कहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो हो गया इंडिया, ये हो गया यहाँ पर श्रीलंका, हो रही है यहाँ पर मालदीप कैपिटल है इसकी यहाँ पे माले। तो थोड़ी लोकेशन हमें पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ लेती है कि एक बार लोकेशन वगैरह के बारे में। यहाँ पे है अंडमान निकोबार और ये यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड, तो थोड़ा पता हो कि भाई कौन कौन से कहाँ पे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी जो आर्टिकल है वो मैपिंग से रिलेटेड हुआ है रवांडा को लेके। देखो रवांडा में आज से 25 साल पहले एक जिनोसाइड एक नरसंहार हुआ था, तो उस दौरान वहाँ की दो कम्युनिटी हैं इनके बीच में लड़ाई हुई थी। एक तो थी वहाँ पे तुत्सी कम्युनिटी और एक थी हुतू कम्युनिटी। तुत्सी और जो हुतू समुदाय कम्युनिटी थी इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो ये यूपीएससी पूछ सकते हैं कि दोनों कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग हैं वो करती हैं, तो थोड़ा हमें ध्यान हो कि भाई वहाँ पे केस वगैरह ऐसा हुआ था। रवांडा बेसिकली हम बात करें अफ्रीका के अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि ईस्टर्न अफ्रीका वाले एरिया में, यानी कि जो ईस्ट अफ्रीकन जो वैली है ना इसके पास में यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, आपको दिख रहा होगा एकदम छोटी सी है, चारों तरफ से लैंडलॉक है। तो यूपीएससी इसकी लोकेशन भी पूछ सकती है। तो बेसिकली आज ये जो आर्टिकल है जिन्हें हमने यहाँ पे कवर किया, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले आज हमने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में जाना, इसके साथ ही अटल रैंकिंग के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और हमने फिर यहाँ पे जाना कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल बैंकों से। इसके साथ ही हमने रोलेट एक्ट के बारे में जाना, हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग जो केस हुआ था वो, इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन या कि सिविलियन डिसोबिडिएंस मूवमेंट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर हमने रोलेट एक्ट के जो आउटकम थे इसके साथ ही हमने मालदीप की लोकेशन जानी और यहाँ पे रवांडा के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस किए। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।